बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज जी कपड़े धोने का काम शुरू किया हुआ है। काफ़ी दिनों से कपड़े नहीं थे धो पा रहे गर्मी की वजह से, तो आज मैंने ना पहले सुबह 2 सूट अपने और एक एक शजेब अवैस का सूट जो है ना वो नीचे धोया। तो पता नहीं कुछ दिनों से ना मेरे साथ मसला आ रहा है, पानी में हाथ डालती हूँ ना तो एकदम वो झुरियाँ सी पड़ जाती हैं और हाथ सुन्न हो जाते हैं और अजीब सी ना सुइयां से चुभती हैं इतने इतने हाथों को। बाहर फेरी वाला आया हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे उसका शोर मेरे आवाज़ से ज़्यादा है। तो मैंने थोड़े से धोए हैं कपड़े, तो मैं फातिमा कहती है कि मम्मा आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप रहने दें, मैं छत पे लेके जाती हूँ और साहिबान के नीचे रह के मशीन लगा लेती हूँ। तो जब मैं एक दिन मशीन लगाई तो फिर मुझे सुकून नहीं आ रहा था, मैंने कहा कपड़े ज़्यादा है तो वो बच्ची बेचारी अकेली लगी रहेगी, इसलिए फिर मैं अभी आई हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं फातिमा की हेल्प करवा देती हूँ। आजकल जी कपड़े ऐसे सूख जाते हैं, स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे निचोड़ के डाल देते हैं तो सूख जाते हैं। कपड़े धोते धोते जी महक फातिमा को भी लग गई थी भूख, तो मैंने फिर अपने लिए और महक फातिमा के लिए चारपाई भी ना थोड़ी सी नाजुक सी है, मैं कहा उठी जाओ ये ना होगी केस मेरे ऊपर पड़ जाए। तो ये मंगवाई है मैंने 7-Up की बोतल और 7 बंद, क्योंकि इस टाइम जो है ना काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि खाने का टाइम नहीं है, दोपहर में खाना नहीं था बना, मगर ये कि काम करते करते भूख लगी है, तो मैंने कहा चले महक फातिमा के साथ साथ मैं भी जो। अच्छा जी आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि हमारा घर जो नया बना है, फेरी वाला आगे बात फिर इतना शोर करते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलें बहरहाल जिन्होंने भी अपना काम करना है, मजदूरी सारी बात हर बंदे ने अपने पेट पालने के लिए करनी होती है। तो घर के मुतल्लिक एक क्वेश्चन बार बार एक कमेंट बार बार आ रहा था कि आपने जो घर बनाया है इस पर कितना खर्चा आया है, ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को आइडिया मिल जाता है जो कि घर बनाना चाहते हैं या जिनके जिन में प्लानिंग है कि हम भी घर बनाएँ, तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है सुन के। और इसके अलावा ये कि कुछ जो करीबी लोग हैं इर्द गिर्द वाले जानने सुनने वाले, उनके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी ये जो बुशरा ने घर बनाया है ये YouTube की अर्निंग से बनाया है, भाई बुशरा तो बड़ी अमीर हो गई है चैनल बना के। तो ये भी हम आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे आज के व्लॉग में कि YouTube के पैसे लगे हैं घर में, मैं ये नहीं कहती कि नहीं लगे, लेकिन कितने पैसे लगे हैं वो भी इंशाल्लाह आगे आपको वीडियो में बताते हैं। तो फिलहाल जी मैं और मैं अखबार थोड़ी सी पेट पूजा कर लें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। पहले मैं खोल लेती हूँ बोतलें, शजेब कह रहा था मम्मा ज़्यादा ठंडी नहीं है पी लेना। चारपाई मैं ले आई तो छांव में और मेरे हाथ में देखिए इतनी सारी पर्चियां, ये देखें ये घर बनाने की जो सारी तफसील है ना, सारा खर्चा मर्चा जितना भी हुआ सारा इसमें लिखा हुआ है जी, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। असल में ये मेरे पास नहीं थी, ये थी इकबाल साहब के पास, और इकबाल साहब गए नमाज पढ़ने, असर की अजान हो चुकी है, तो मैंने कहा चले मैं आपसे तब तक शेयर करती हूँ, फिर हो सकता है इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर लें।
है तो मुश्किल है क्योंकि उन्हें कोई काम भी था, लेकिन हो सकता है कि आ ही जाए। अच्छा जी, वैसे मैंने अब मैं इतनी पर्चियाँ आपको एक एक करके सुनाऊंगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा इकबाल साहब ने मुझे जो क्या उसे कहते हैं टोटल करके बताया है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया ही चाहिए ना। अब हम डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा मुझे वो वाला सवाल क्लियर करना है जो कि सबके जहन में है कि ये आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से। भाई अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ही देता है, सबको अल्लाह देता है, आपको भी अल्लाह देता है, हमें भी अल्लाह देता है। अल्लाह ताला ने कुछ ज़रिए बनाए हुए हैं, तो वो ज़रिए कौन से हैं वो आज हम आपके साथ ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं, ताकि लोगों के जो है ना, अच्छा मुझे नहीं समझ आती, कुछ लोग ना वो क्या कहते हैं कि वेले ही घर बैठ के ना अपना आप जलाते रहते हैं दूसरों को देख के, इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती है। भाई मैं आगे चल के डिटेल बताऊँगी थोड़ी सी कि क्या लोगों को परेशानी है और क्यों लोगों को परेशानी है, इस बात के इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। बाकी जी सबसे पहले जो आपका सवाल था जिसके लिए खासतौर पे मैंने आज वीडियो बनाई है, वो मैं आपको बता दूं कि हमारा घर जितना बना है आपने देखा है, तकरीबन ये 4 मरले जगह थी जो कि अभी हमने बनाई है, 4 मरले। सीढ़ियाँ ऑलरेडी बनी हुई थी, गटर ऑलरेडी बना हुआ था, एक बाथरूम भी पहले से बना हुआ था। इतने प्लाट में बने हैं 2 कमरे, पीछे 2 अटैच वाशरूम है, वो हम होम टूर भी आपको देंगे। असल में भी दरवाजे नहीं लग रहे और घर की कोई ठीक से सेटिंग भी नहीं हुई है, इसलिए फिर होम टूर का कोई मज़ा नहीं होना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना वो वैसे भी वाइट करवा लिया कलर, जिसकी वजह से ना वीडियो का रिजल्ट भी इतना मज़े का नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा पेंडिंग है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 2 कमरे हैं, 2 अटैच वाशरूम है, वाशरूम की छत डाउन पड़ी है, वो क्लियर इसलिए कर रही हूँ कि उसके अलग से चार्जेस लगते हैं, तो ऊपर जो लेंटर होता है उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। तो एक ये कमरा है, एक ऊपर वाशरूम बना है। 2 वाशरूम आपको इसलिए क्लियर किया कि ये नहीं कि एक प्लाट के सिर्फ आपने देखना है, भाई देखने में तो ये नज़र आ रहा है कि भाई 2 ही कमरे बने हैं, एक किचन बना है, साथ छोटा सा नमाज रूम है। नमाज रूम है हमारा 6 फिट चौड़ा है, 7 फिट लंबा है, उसका इतना सी जगह है। और जो किचन है वो माशाल्लाह 12 फुट चौड़ा है और 12 फुट लंबा और 7.5 फुट चौड़ा है। नमाज रूम भी शायद 7.5-7 फुट चौड़ा है और 6 फुट 7.5 फुट लंबा और 6.5 फुट शायद चौड़ा है। अगर चलें जी, ये आपको वो रकबा बता दिए जो बिल्डिंग चढ़ी है, जो जिस पर जितनी इंटर, और 12.5 फिट पर हमने तकरीबन लेंटर डाला, यानी कि इतनी इंटें जो हमारी लगी हैं। हमारी जो छत निकली थी वो बिहार की, जो हमारा सामने वाला कमरा और बरामदा था, और जो इधर कमरा था उसकी छतीरियाँ डाली, छतीरियाँ आपको समझ में कुछ लोग हो सकते हैं ना, छतीरी कहते हैं जो गार्डर की जगह पर लकड़ी की बनी, वो एक स्पोर्ट होती थी ना जिसके ऊपर बाले लगाए जाते, तो उसे छतीरी बोलते हैं, वो लकड़ी की होती थी, बिहार की लकड़ी की। वो 2 छतीरियाँ थी और सामने कमरे के और बरामदे के बाले थे, वैसे गार्डर थे लोहे के और बाले जो थे वो सारी लकड़ी जो है ना, सोचा ये था कि इसको बेचेंगे और ये हमारी तकरीबन ग्रिलें व्रिलें दरवाजे और खिड़कियाँ सारी ना हमारी बिक जाएगी, 1 लाख के करीब करीब हमारी लकड़ी बिक जाएगी, तो ये भी अंदर हमारे डाल देंगे। ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिस वक्त हमने मकान बनाना शुरू किया था ना, उस वक्त मेरे पास था 8 लाख रुपया, कुछ कमेटियाँ डाली हुई थी, कुछ सेविंग थी, तकरीबन 2 साल से कर रही थी, 2 साल से जमा कर रही थी। आपको पता ही है कि मेरा पार्लर है, तो वो कर करा के जो सेविंग हुई थी वो 8 लाख रुपया था उस वक्त मेरे पास। ये सोचा भाई 1 लाख का ये बिक जाएगा, कुछ कमेटी डाल ली घर में, पहले कमेटी हमने रख ली, 1 लाख ये हो गया। तो जिस भाई से हमने सारा मटेरियल खरीदा ना, वो मेरे भाई के दोस्त है, उससे बात की भाई हमारे साथ 2 लाख रुपये का उधार कर लोगे तो बड़ी मेहरबानी है, चलो हम काम शुरू करें। उसने चलो लब बला कर उसका, उसने कहा चलो ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। जो टोटल बना था ना उस वक्त, जो आइडिया था इकबाल साहब का और मेरे भाई का, ये 2 ही बंदे थे, ज़्यादा लोगों से मैंने डिस्कस नहीं किया, बंदा पजल हो जाता है। इन्होंने बनाया था, एक बंदा कह रहा था जी 13 लाख, एक कह रहा 13.5 के अंदर, कहते जी आपका मकान जितना भी हुआ ना हमारा, दरवाजे लग के ये प्लस्तर हो के कच्चा करके, ये आपका 13 से 13.5 में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं यही सोच के मैंने स्टेप ले लिया था, क्योंकि मेरा कर्ज़ा उठाने का कतन कोई जहन नहीं था।
बाकी मुझे ये था कि उस वक्त मेरे पास 50,000 की बुकिंग भी थी, मैंने कहा वो भी साथ मिल जाएंगे पैसे, चलो 8.5 मेरा अपना हो जाएगा, इस तरह से कार्य करा के चलो अल्लाह मदद करेगा आगे और भी काम आएगा, जो है ना ज़्यादा सीज़न है रमज़ान के बाद काम आएगा तो अल्लाह फजल करेगा मेरा मुकम्मल हो जाएगा। चलें जी स्टार्ट ले लिया जनाब, करते कराते आज 2 लाख, आज 2.5 लाख दो जी, आज 2 लाख बन रहा है, आज 1 लाख बन रहा है, फलाने का 50 देना है, 60 देना है, देती गई मैं। आप यकीन करें कि वो जो 8, 8.5 मेरे पास था ना, वो तो ऐसे ख़त्म हो गया। अभी बहुत काम पड़ा हुआ था, बहुत ही काम पड़ा हुआ था, तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है मदद करने वाली, इंसान कुछ नहीं है, जब वो अपनी मदद भेजता है ना तो फिर बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, हमारी अकल भी वहाँ तक नहीं जाती जो अल्लाह ताला जिस तरीके से मसले हल कर देते हैं। आप यकीन मानें कि रमज़ान के बाद का जो सीज़न होता है ना, मतलब ईद से लेके बड़ी ईद तक मेरा कभी इतने मेरे पैसे नहीं बने जितनी अल्लाह पाक ने इस दफ़ा मेरी मदद की। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे ठीक ठाक पैसे बन गए, समझ लें कि 4 से 4.5 तक मेरा ना बन गया। उसमें ये हुआ था कि मेरे पास 6 लड़कियाँ ट्रेनिंग के लिए आ गई। अब ट्रेनिंग के लिए लड़कियाँ पहले भी आती होती हैं, फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं मैं लेती हूँ, लेकिन यह है कि एडवांस ही लेती हूँ, किस्तों पे नहीं करती, मंथली नहीं करती। तो इस दफ़ा भी थोड़ा सा मुझे वो अपना भी लालच था, तो मैंने ना 6 लड़कियाँ भी कुछ आ गई ऊपर नीचे, तो मैंने 1 लड़की पहले आई, थोड़े पैसों का लालच मैंने किया, उसको रखा, उसका आना मुबारक हुआ और 5 लड़कियाँ मज़ीद आ गई, तो उनसे मैंने कुछ फ़ीस एडवांस ली और कुछ फिर मैंने उनके साथ मंथली कर ली। मैंने कहा चलो मिल ही जाएंगे ना, वो भी आते ही रहेंगे, अभी काम पड़ा हुआ साथ साथ वो पैसे मिलते जाएंगे। कुछ ये होगा, कुछ बुकिंग आगे कर करा के 4, 4.5 मेरा अंदर और अल्लाह ताला ने उसमें शामिल कर दिया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा ले 8.5 पहले और 4.5 ये कितना बन गया। चलें जी कर करा के जनाब, अभी आपने आइडिया लगा 4.5 और 13 बन गया जी, और 6 लाख रुपया तकरीबन हमने कर्जा उठा लिया होगा, 6 लाख कर्जा हो गया जी। अच्छा जब हम चिकाठे बनवा रहे थे ना, तो उस वक़्त ये आइडिया आया मेरे दिमाग में, एक बार सब तार देखे 55,000 की चिकाठे बन रही है लोहे की, तो मैंने सोचा, मैंने कहा लकड़ी की कितने की बनी, कहते लकड़ी की तो 10,000 की सारी चिकाठे बन रही है, मजदूरी इतनी पड़ रही है अगर अपनी लकड़ी दी तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई फिर हमने फजूल में जो है वो लोहे की लगवानी है, फिर हम लकड़ी की बनवाते हैं, लकड़ी हमारी अपनी है, वो जो हमने चुगाटों पे पैसे लगाने हैं वो बाद में हम मजदूरी देंगे और हमारे दरवाजे बन जाएंगे, लकड़ी के अच्छे खूबसूरत ग्रेस भी होती है। अच्छा जी वो ये सोचा तो ये था कि इतने में काम हो जाएगा, जिससे दरवाजे बनवाए उसने आइडिया भी दिया कि इतने में हो जाएगा, लेकिन जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मेरी सोच से कहीं आगे चली गई बात। और आप खुद सोच लें कि 13 हमने सोचा था, 13 हम लगा चुके, मज़ीद 6 लाख रुपया हम पे कर्ज़ा चढ़ गया। उसके बावजूद अभी जो प्रोसेस चल रहा है दरवाज़ों का, भाई ने बोला था जी 5 दरवाज़ों की मजदूरी उसने कहा था 52,000, खिड़कियों की अलग उसने मतलब 60,000 उसने खिड़कियों की और दरवाज़ों की मजदूरी बोली थी, लकड़ी हमारी थी, जितनी उसने लकड़ी बोली वो हमने उसको दे दी। अभी वो कम से कम 10,000 की लकड़ी और मंगवा रहा है जो कि हमारे पास नहीं है, वो हमें लानी पड़ेगी और हमारे यहाँ करीब 3 से मिलती भी नहीं है, वो गुजरांवाला में जाना पड़ेगा जो कि हमें 60 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी आप देख लें कि ये खर्चे आगे हैं, मतलब ये कि और जो छोटा मोटा आगे से इकबाल साहब भी कहते हैं कि इतने पैसे मैंने खर्च किए, कार करा के तकरीबन 20 से क्रॉस कर गए हमारे ये पैसे, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, आप डिटेल में जाएं तो आपको क्या बताएं कि इतने का सीमेंट, वो तो सारा इसमें लिखा हुआ है लेकिन वो अलग अलग लिखा हुआ है, भाई इतनी बोरियां इस पे लिखी हैं, इतनी इस पे लिखी हैं, इतनी इस पे लिखी हैं, वो अब मैं इकट्ठी करके आपको नहीं बता सकती, इकबाल साहब होते तो वो आपको ज़रूर आइडिया देते। बहरहाल जी जो हमारी मज़दूरी है ना वो तकरीबन 5 लाख के करीब पड़ी है, 3.5 ठेकेदार को दिया, बाकी जो जब हमने तोड़वाया था घर उसको उनको दिया, फिर तकरीबन हमारी 80,000 की मट्टी डली थी और मट्टी डलवाने की जो मजदूरी दी थी वो अलग थी, फिर ईंटें बाहर आती थी वो तो है ठेकेदार ही मंगवाता था, बाहर कार्य करा के ना हमारी जो मजदूरी है ना वो कोई 4.5-5 लाख के करीब ना मजदूरी निकल गई है। ईंटें हमारी इतनी खास नहीं थी निकली, हम आपको दिखाते रहे हैं स्टार्ट में, स्टार्ट से ही हमारी नई ईंटें शुरू हो गई थी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी नई जो पुरानी ईंटें नीचे लगी थी, ज़्यादा हमारे वो कंकर बन गए थे जो बाद में रोड़ी के काम आ गए, रोड़ी ये के नहीं मंगवानी पड़ी फिर अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी क्लिप हमने काटा ताकि थोड़ी सी हम रेस्ट कर लें और मज़ीद कुछ सोच लें और आपके साथ शेयर करें।
चलें जी, हमारा जी मैंने आपको बता दिया। अभी जो और बीच में कुछ पैसे लगते हैं छोटे छोटे, ये तो था ना, मतलब जो मैंने मोटी मोटी रकम जो दी है वो थी, बाकी जो साथ साथ थोड़े बहुत लगते रहते हैं वो जो है उनको मिला के सारा टोटल करें ना तो तकरीबन 20 से 21 तक बाद जो है ना वो चली जाती है। तो उसमें यह है कि देखिए कमरे तो आपको थोड़े से नज़र आ रहे हैं, एक कमरा ये बना था, दो कमरे नीचे हैं, एक किचन है, नमाज रूम है, किचन की शेल्फें डलवाई, हालांकि शेल्फें जो थी वो हमने मिस्त्री साहब से नहीं डलवाई थी, वो हमसे डबल रेट मांग रहे थे, यानी कि जिस हिसाब से लेंटर का रेट वो लिया था ना उन्होंने फुट के हिसाब से, उससे कहते शेल्फ डबल होगी, तो वो हमारी समझ से बात थी कि भाई डबल क्यों, वो तो बिल्कुल ही मतलब नीचे है उसकी, कोई ऐसी शटरंग भी नहीं है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है, फिर भी क्यों वो कह रहे हो। तो वो मेरे बहनोई भी यही काम करते हैं, वो आके हमें रातों रात डाल के दे के चले गए थे फ्री में, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं लिया था। चले जी, अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो मैं कोशिश करूँगी किसी दिन इकबाल साहब आपको बता दें, लेकिन ये है कि मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया देना था कि 20 से 21 तक हमारा इस घर पे लग चुका है। दरवाजे लगने के बाद अभी सीलिंग रहती है, अभी कोई बाथरूम मुकम्मल नहीं है, बाथरूम में हमने दो दो प्लास्टिक की टोटियाँ लगा दी हैं, एक ऊपर एक लोटे के पास, और सीटें लगी हैं, एक बाथरूम में कमोड लगा है, किचन का सिंक लग चुका है, नीचे कच्चा हो गया है, दरवाजे लग जाएंगे, ये है कि गुजारा होता रहेगा, जैसे ये 6 लाख अल्लाह पाक ख़त्म करेंगे तो उसके बाद फिर हम आगे जब बनाते रहेंगे फिर आपसे शेयर करते रहेंगे। चलें जी, बाकी क्या उसे कहते हैं, तकरीबन 300 बोरी हमारी सीमेंट की लगी थी, ये ज़्यादा डीपली तो इकबाल साहब भी जानते, मैं नहीं जानती, 300 बोरी वो लगी थी, तकरीबन 80,000 की हमारी मिट्टी डली थी, 9,000 हमें नई ईंटें मंगवानी पड़ी थी, और ईंटों का रेट था 18 से 19,000 रुपया, और 1,250 से 1,300 से सीमेंट की बोरी थी, सरिया मुझे नहीं पता कितने का, रेत की कुछ जो ट्रालियाँ हैं वो हमने मंगवाई थी 7,000 से, फिर बाद में बारिश होगी तो वही 7,000 वाली ट्राली में 11,000 में मिली, कुछ ट्रालियाँ हमने 11,000 में मंगवाई, बाकी सरिया जो था जिस वक्त हमने काम शुरू किया था तो एकदम महंगा हो गया था, सरिया मुझे नहीं पता कितना आया, और ना ही मुझे बजरी का आइडिया है कि बजरी कितनी आई है, रेत भी काफ़ी सारी ट्रालियाँ आई हैं लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं पता, ईंटों का मुझे लेवल पता था वो जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जी सवाल ये पैदा होता है कि जी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, शायद देखने में लोगों को ये लग रहा था कि ये तो भाई ज़ाहिर हम मजदूर बंदे हैं जी, हम अल्लाह ताला माफ़ी दे, हम अपने आप को बड़े नाजीज समझते हैं, कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ मैं उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ जिनको ये है कि भाई बुशरा ने चैनल बनाया है और उसके इतने रातों रात पैसे आने लग गए हैं कि उसने दिनों में मकान बना लिया है, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये मकान दिनों में नहीं बना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम बड़ा ही ज़्यादा किया है, बड़ा ही ज़्यादा किया है, 8 लाख से शुरू नहीं किया जा सकता मकान, 8 लाख से हमने शुरू किया तो अल्लाह ने बड़ी रहमत की है, ये उसके मालिक का कदम कदम पर शुक्र अदा करती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना शुक्र अदा करती हूँ, मगर जी इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है और अपने दिमाग पे बड़ा बोझ लेना पड़ता है, कर्जा उठाना कोई आसान नहीं होता पहले नंबर पे, क्योंकि कर्जा देता ही नहीं है, कर्जा भी उन्हीं को दिया जाता है जिनके वो क्या कहते हैं कि व्यवहार अच्छा होता है या अपने रिश्तेदारों से बहन भाइयों से अखलाक अच्छे होते हैं तो ही मिलता है, तो शुक्र है अल्लाह पाक का, ज़रूरत पड़ी बाजी को कॉल की, बाजी इतने पैसों की जरूरत है, उन्होंने क्या ले लो, भाई को बोला इतने पैसों की जरूरत है, उन्होंने या अल्लाह ने की उन्होंने भेज दिया, तो जहाँ जहाँ से दरख्वास्त की है तो अल्लाह ताला ने मदद की और उन्होंने कबूल की और जो है ये यहाँ तक काम पहुँच गया। बाकी जी YouTube की जहाँ तक बात है तो हम जी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते, YouTube के पैसे लगे हैं हमारे घर में, इसमें कोई शक नहीं है, कितने पैसे लगे हैं, जो 3 अर्निंग आई हैं YouTube की मेरे पास अभी तक, 3 अर्निंग आई हैं सिर्फ हमारे पास, पिछले साल 8 जून को हमने चैनल स्टार्ट किया था, एक महीने बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था, मज़ीद एक महीने बाद हमारी फर्स्ट अर्निंग आ गई थी, अगले 2 माह बाद हमारी सेकंड अर्निंग आई थी, फिर 3 माह बाद हमारी थर्ड अर्निंग आई थी, उसके बाद हमारी अर्निंग नहीं है अभी तक, बने तो हैं $100 लेकिन पता नहीं क्या इशू आ रहा है, पिछले माह ही आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए, इस माह भी नहीं आए अभी तक, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, दुआ भी कीजिएगा जी अल्लाह करे कि अल्लाह ताला मदद कर दे क्योंकि इस वक्त मुझे ज़रूरत भी है बड़े पैसे, तो अर्निंग नहीं आई, पहली अर्निंग आपको पता है मैंने किस तरह से तकसीम की थी, दूसरी अर्निंग
थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी अर्निंग आती है, एक फैमिली है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं कुछ हिस्सा उनको देती हूँ। जो अभी $100 तो आते हैं, तो मैं कुछ हिस्सा उस अर्निंग में से उस फैमिली को देती हूँ। बाकी जो बचा था मेरे पास, यानी कि 25,000 रुपया मैंने सेव किया एक अर्निंग का, और अगली अर्निंग से मैंने 30,000 रुपया सेव किया, तो ये 55,000 रुपया जो था ना, वो मैंने घर में इस्तेमाल किया था YouTube की कमाई से। ठीक हो गया जी। ये अगले दिन मेरी एक जानने वाली है, वो आई तो वो किसी और का नाम ले रही थी, कहती है फलां फलां कह रही थी, भाई बुशरा ने तो चैनल बनाया तो बड़ा पैसा कमा रही है रातों रात। अल्लाह करे भाई, बनाया है, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला के घर से पूरा यकीन है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक दिन वो दिन भी ज़रूर लाएंगे जब रातों रात हमें भी YouTube से कुछ मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल जी हम मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत में अज़मत है इसका, इस पर मतलब हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगे। अभी YouTube का क्लियर हो गया, अब जी पैसे आए कहाँ से, तो ये भी सबको पता है, कुछ लोगों को पता, लेकिन कुछ लोग ये होता है कि जानते बूझते ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेहनत कैसी कैसी की ये मैं आपको बता देती हूँ, छोटी सी एग्जांपल दूंगी, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ज़्यादा नहीं बताती। मेहनत मैंने कैसी कैसी की है, अभी मैं महक फातिमा के साथ कपड़े धुला रही थी, दो सूट मैंने नीचे धोए, मैंने आपको बताया ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो हुआ ये था कि मेरे हाथ में ऐसे जैसे झुरियाँ पड़ गई, अभी भी ये हैं, ये थोड़ी सी आपको फील हो रही होंगी, ये देखिए झुरियाँ झुरियाँ सी बनी हुई हैं, ये फिंगर्स पे हाथ नीले हो रहे हैं, और मेरे इतने इतने हाथ सुन्न हो गए थे, इतने मेरे पट्टे कमज़ोर हैं कि सुन्न हो गए थे, मतलब ये कि खाया पिया नहीं ज़िंदगी में, बस ये कि बच्चों के फ्यूचर की के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, तो अपने अंदर इतनी सी हिम्मत रह गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बस देना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं देना चाहती, मेरा जो छोटा बेटा ना वैसे इधर ये पैदा होने वाला था, मेरी लास्ट डेट चल रही थी, मुझे डॉक्टर ने डेट दी थी 29 जनवरी, मेरे पास 17-18 जनवरी को एक कॉल आती है साथ वाले गांव से, एक लड़की कहती है आपकी मेरी 1 फरवरी को शादी है और मैंने आपसे तैयार होना है, तो क्या रेट है आपका? रेट उस वक्त 6,000 मैं लेती थी आज से 10 साल पहले दुल्हन का। अच्छा जी, वो कहती है कि नहीं मैं इतना तो नहीं दूंगी, करके जी 4.5 पे वो, उसने कहा कि मैं 4.5 तक आपको दूंगी, 4.5 पे वो मानी, 4,500 रुपये के लिए मैंने ये प्लान किया कि मतलब मेरे दिन वो चल रहे हैं कि मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती कि मैं इससे बुकिंग ले लूँ और मैं इस कंडीशन में दूसरे गांव जाऊं। उस वक्त मैं गांव गांव जाती थी घर घर दुल्हन तैयार करने, कि मैं वहां जाके दुल्हन तैयार करके आऊं, वो मेरी समझ से बाहर था। मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मैंने उनसे कहा, क्योंकि तीसरा बच्चा था, ऑपरेशन तो होना था, मुझे पता पक्का पता था, पहले 2 ऑपरेशन हो चुके थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब होना तो ऑपरेशन ही है, तो आप ऐसा नहीं हो सकते कि कुछ दिन पहले कर दें। वो कहती है 23 को आपके 37 वीक पूरे हो रहे हैं, तो 24 को आके आप ऑपरेशन करवा लीजिएगा। 4,500 रुपये के लिए मैंने अपनी डेट पीछे करवाई और मैंने ऑपरेशन करवाया। 24 जनवरी को ऑपरेशन हुआ था और 1 फरवरी को मैं दूसरे गांव में गई थी दुल्हन तैयार करने, और वो दुल्हन जो 1 फरवरी को मैंने तैयार की थी, उससे एक दिन पहले उसकी सर्विस की, उसके साथ 5-6 लड़कियां थी जिनको मैंने मेहंदी लगाई, और उस वक्त यहाँ से लेके मेहंदी लगाती थी, और उनकी कटिंग्स की, उनकी मतलब प्लकिंग की, ये सारा काम मैंने ही करना होता था, फेशियल वगैरह वैक्स ब्लीच ये बच्चियां कर लेती हैं, इस तरह के जो काम है ना वो क्लाइंट बच्चियों से नहीं करवाते। और मतलब उस दिन मेरा 7वां या 8वां दिन बनता है ना, मैं दूसरे गांव गई, अभी मेरे स्टिच नहीं खुले थे, 12वें दिन मेरे स्टिच खुले थे, और उस दिन मैं पूरा दिन वहाँ रही, बच्चा मेरा घर था, सुबह 9 बजे गई और मगरब के बाद मैं घर वापस आई थी। ये छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, बट जो मैं सिर्फ अपनी उन बहनों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो बंदा मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला उसे मेहनत का अजर देता है, बजाय इसके कि आप घर बैठ के उल्टी सीधी बातें बना के दूसरों के दिलों को तकलीफ पहुँचाएँ। ये मैं अपने YouTube फैमिली को नहीं कह रही हूँ, कुछ इर्द गिर्द के अपने बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिनको मेरा पैगाम है, बजाय इसके कि आप घर बैठ के अपने पास से साड़े और दूसरों पे आप उल्टी सीधी बातें बनाएं, आप मेहनत करें तो यकीन करें कि अल्लाह पाक आपको भी नवाजेगा, और बहुत ज़्यादा नवाजता है मालिक।
दुआएं करें, नमाज पढ़ें, सजदों में दुआएं करें तो अल्लाह ताला ज़रूर करता है। और मेरी ये आदत है, मुझे कोई भी तकलीफ़ होती है मैं अलहदगी में कहीं जाके सिर्फ अल्लाह से मांगती हूँ। मुझे एक दफ़ा एक कमेंट आया, एक चैनल का वो नाम ले रहे थे, उन्होंने लिखा था कि आप उस चैनल वालों से मिलें तो आपका भी चैनल जो है वो आगे ग्रो करेगा। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मुझे अपने चैनल की प्रमोशन जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला से करवानी है, मुझे किसी की सपोर्ट की, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ अल्लाह की मदद हो उससे बड़ी कोई मदद नहीं हो सकती। तो ये इतनी सी डिटेल थी जी मकान के बारे में, पता नहीं मैं ठीक आपको बता सकी हूँ या नहीं बता सकी, बहरहाल मैंने अपने ख्याल से थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया है। तो जी मैं ये बताना चाह रही थी कि ये अल्लाह पाक के फजल और करम से और आप सब बहनों की दुआओं से और माँ बाप की दुआओं से ये जितना भी घर पे खर्चा हुआ ये अल्लाह पाक ने सैलून से अता किया है। और शुक्र है मालिक का, ये उस वक्त मैंने सैलून का काम सीखा था जब हमारे पूरे एरिया में सैलून का तस्वर भी नहीं था। और मेरे ख़ानदान में तो आज भी खवातीन इतनी सादी हैं कि आपको मेरे ही गेटअप से अंदाज़ा हो जाता होगा कि मैंने कभी अपने आप को जो है ना बदला नहीं है, क्योंकि मुझे पार्लर से निकल के अपनी फैमिली में ही बैठना उठना होता है। तो मैंने अपने आप को कभी ऐसा नहीं बनाया कि मैं अपने में फैमिली में बैठ के अजूबा सी लगूँ। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मेरी फैमिली कितनी सादी है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि उस दौर में काम सीख लिया था जो आज मालिक ने उसका जो है वो फल दिया है। और जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ बहुत कम है, मगर यह जी ये भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मगर यह अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है। मैं यकीन करें कि पार्लर का काम सिखाने में कभी कंजूसी नहीं करती हूँ, कभी दिल में ये जो घर है ना, ये साथ वाला घर, ये जो दीवार है, इस घर की बच्ची भी मेरे पास पार्लर का काम सीखने आ रही है, ये गली के एंड पे बच्ची वो मेरे से पार्लर का काम सीखे। मेरे दिल में कभी भी ये नहीं हुआ कि मतलब कोई मुझसे सीखेगा वो पार्लर बना लेगी, मेरे गाँव चले जाएंगे। मेरा इस पर पुख्ता यकीन है कि जो मेरे नसीब का है वो कहीं नहीं जाएगा और दूसरे के नसीब का मुझे मिल नहीं सकता। तो ये बात और लोगों को भी समझनी चाहिए जो कि उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिल दुखा जाते हैं कि मतलब जी बुशरा वो मतलब अंदर उनके अल्फाज में होती है, वैसे देखा जाए तो तारीफ ही है, मगर अंदाज ऐसा होता है कि वो दिल दिखाने वाला होता है कि बुशरा तो जी पाल रात और रात अमीर हो गई हो तो पर यूट्यूब तो इतना कमा रही है। भाई ये इस अंदाज से बात ना करें, ये देखें कि मेहनत कभी देखें। मैं 2 घंटे से यहाँ पे व्लॉग बना रही थी मास्क पहन के, इतनी गर्मी में इतने पसीने में, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इकबाल साहब आ गए जी, ज़रा जाते जाते इकबाल साहब चेहरा ही दिखा दें। हाँ जी इकबाल साहब आ गए हैं जी, ये सारी पर्चियाँ जो है ना इकबाल साहब की हैं, ये इनके अंडर में थी और इनके अंडर में रहेंगी सारी ज़िंदगी। तो अभी मैंने इनसे ली है, मैंने मोटा मोटा बता दिया, मोटा मोटा यही हमारा ना कि हमारा 20 से 21 के राउंड अबाउट जो है वो लग गया। हाँ तकरीबन 20-21 तक जो है ना वो लग गया।